आज अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 में भारतवर्ष में हुई, उसके 86वें वर्ष में भारतवर्ष के लगभग हर राज्य और जिला में इसके संगठन है। आज सिरमौर जिला का 10वां जिला सम्मेलन यहाँ सराहा में होने जा रहा है और यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे हैं उसके ऊपर डिफरेंट रेजोल्यूशंस पास होंगे और संगठनात्मक रूप से भी पिछले लास्ट 9th कॉन्फ्रेंस के बाद और 10वीं कॉन्फ्रेंस के बीच में संगठन के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, जो समस्याएं हैं उन विषय में भी चर्चा होगी और एक नई कमेटी बनेगी जो अगले 3 साल के लिए काम करेगी। आज इसका ये कार्यक्रम है। सिरमौर जिला के बारे में जो किसान सभा का मानना है, सिरमौर एक ऐसा जिला था हिमाचल प्रदेश का जहाँ पर आजादी से पहले बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर अनाज पैदा होता था, मगर आज इसमें पिछले वर्षों के अंदर यहाँ पर अभी पूरा क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर बदलाव आ गया है। यहाँ पर जो सब्जियाँ विशेष रूप से पहले यहाँ पर जो केवल अदरक लगता था, पर अब यहाँ लहसुन, टमाटर और अन्य जो सब्जियाँ हैं वो कैश क्रॉप के रूप से यहाँ पर पैदा होती है। उसके बारे में हमारी समझ ये है कि अभी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर केवल 23 ही क्रॉप्स के ऊपर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। किसान सभा हिमाचल प्रदेश में मांग कर रही है कि हर सब्जी और जो फलों के ऊपर भी केरल के पैटर्न पे जो 16 किस्म की सब्जियों के ऊपर वहां पर फलों के ऊपर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिलना चाहिए और दूसरा उस पर उसकी स्टोरेज के लिए सी स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज हो और तीसरा उस पर आधारित उद्योग लगे जो किसानों को उसका उचित मूल्य मिले। यहाँ पर कई समस्याएं, यहाँ पर बंदरों की सबसे बड़ी समस्या थी, पर हमें बड़ी खुशी है किसान सभा जो 2005 से निरंतरता में संघर्ष कर रही थी तो पहली बार भारतवर्ष में ये वो राज्य है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक बदलाव लाकर बंदरों को वर्मिन घोषित किया गया और सिरमौर में काफी हद तक लोगों को उससे छुटकारा मिला है। अन्य जंगली जानवरों के बारे में भी आज इसमें रेजोल्यूशन आएगा, विशेष रूप से जो जंगली सुअर है और कुछ एरिया में जो नील गाय या अन्य पशु है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक बड़ी भारी समस्या है, यहाँ पर उत्पादन में तो किसान जूझ रहा है मगर जो मार्केटेबिलिटी उसकी बहुत बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट का एक सही रूप से इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो रहा है। जो इसके लिए सब्जी मंडियां होनी चाहिए थी, अनाज मंडियां होनी चाहिए थी, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। बड़े संघर्षों के बाद यहाँ पर एक महापंचायत भी संयुक्त किसान मोर्चा के मारिकोटा में हुई थी, उसके बाद यहाँ पर गेहूं और धान के प्रोक्योरमेंट के लिए यहाँ पर एक प्रयास किया गया है, मगर अभी सब्जी मंडियों की यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वो डेवलप